का 75वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 सुशांत विश्वविद्यालय गुरुग्राम के परिसर में मनाया गया। 21 अगस्त सुशांत विश्वविद्यालय गुरुग्राम के कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति डॉक्टर DNS कुमार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया गया। उसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। ध्वजारोहण के बाद वाइस चांसलर ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया कोविड महामारी से निपटने में उनके समर्थन के लिए। सुशांत विश्वविद्यालय ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे कुछ कोरोना वॉरियर्स को आमंत्रित किया, जो अपने जीवन के बारे में सोचे बिना कोरोना के दौरान हमारे लिए लंबे समय तक राष्ट्र हित में साथ खड़े रहे। सभी वॉरियर्स योद्धाओं को कुलपति द्वारा सुशांत यूनिवर्सिटी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी बहुमूल्य सेवाएं व प्रत्येक ने अपने अनुभव और उनके द्वारा की गई गतिविधियों को साझा किया। वेदास पे रिसर्च भी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, वो उसकी लर्निंग को अपना एक केस स्टडी बना करके, जैसे भागवत गीता से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसीज रिलेट करके, तो बच्चों को उस तरह से भी समझाया जाता है, प्लस कुछ पर्टिकुलर ग्रंथ, कुछ पर्टिकुलर श्लोक, कुछ पर्टिकुलर दोहे, उनको भी बच्चों के एजुकेशन के साथ मिक्स किया गया। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारी, ताकि बच्चे उसको समझ भी सकें और उसको कोरिलेट कर सकें कि वेदों में वो चीज़ें बहुत पहले कह दी गई थी जो आज पॉलिसी में आ रही हैं। तो ये हमारी अप्रोच, ये हमारा प्रयास है कि हम वेदों को भी उतना ही ध्यान दें जितना कि हमारी जो आज की करंट स्टडीज है। This is a very great momentous day for all of us because we have completed 74 years. We have entered the 75th year and we have made a very good progress. As a nation, we have made a very good progress. It may be agriculture, it may be IT enabled services, shikshan rane do, manufacturing rane do, sabhi activity mein we have progressed substantially. And Sushant University, as it is existing for the last 32 years, is a special year for us because one is 75th year of independence we are celebrating. At the same time, we have got an opportunity. The entire India and Sushant University has got an opportunity to execute national education policy, which is new of its kind. सर, आज का जो प्रोग्राम था हमारा, जो कोरोना के योद्धा थे उनका सम्मान समारोह का प्रोग्राम था, आपने कैसे सॉर्ट आउट की कि हमने इन बंदों को ही प्राइज दिया? सर, हिंदी में देना। सो जब अब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, तो शायद हमारा विश्वविद्यालय ऐसा था या हर विद्यालय ऐसा था जिसने देखा कि किसी भी तरह से छात्रों के भविष्य पर उसका कोई प्रभाव ना आए। उसके साथ साथ जब हम छात्रों का भविष्य बचा रहे थे, तब हमारे कोरोना के ये जो वॉरियर्स थे, जो लोग थे, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो एम्बुलेंस हों, चाहे वो जो हमारे पड़ोस में जो पीड़ित थे कोरोना से, उनका सैंपल कलेक्टर है, तो हमने देखा कि हम ही नहीं, सारा देश और इस तरह के लोग मिलकर के पूरे देश को कोरोना से बचा रहे हैं। तो तब हमने ये तय किया कि हम इन लोगों को सम्मानित करेंगे, और इनको सम्मान नहीं है, धन्यवाद है, एक धन्यवाद है हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए। तो चाहे वो बस ड्राइवर है जिसने पीड़ित को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर है जो पीड़ित को लेकर के गया, चाहे वो टेस्ट करने वाला जो हमारे हॉस्टल में आकर के, कुछ बच्चे अगर दिखे कि उनका टेस्ट करना है तो उसके लिए भी उसका योगदान था। तो देखा जाए फिर डॉक्टर्स का, तो उन्होंने देखा कि जान की बाजी लगा करके उन्होंने बचाया। तो हमने ये तय किया, हमने निश्चय किया हमारे कुलपति जी के उसमें सानिध्य में, उनके गाइडेंस में, कि हम एक एक व्यक्ति को जिसको हम जानते हैं, जिसने इस कोरोना की लड़ाई में हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे देश को बचाया है, हम उसका धन्यवाद करेंगे। तो ये एक धन्यवाद था हमारी तरफ से, ये हमने अपनी तरफ से अपने भाव प्रकट किए हैं कि आज अगर हम जीवित हैं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, आज हमारा परिवार जीवित है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। सर, सुशांत यूनिवर्सिटी एजुकेशन का हब है, क्या आप और हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जो यंग जनरेशन है वो थोड़ी दूसरी तरफ बढ़ रही है, क्या आप नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हो यूनिवर्सिटियों में? क्या नैतिक शिक्षा के बारे में कुछ बच्चों को बता रहे हो जिससे वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखें? देखिए, सुशांत यूनिवर्सिटी में हम
आर्ट स्कूल उतना ही नहीं चलाते हैं. एक इन द लास्ट वन एंड हाफ ईयर वी हैव स्टार्टेड योगा सेंटर, राइट, म्यूजिक सेंटर, सेंटर फॉर सॉफ्ट स्किल, सेंटर फॉर यू नो द एंथ्रोपोलॉजी, थियोलॉजी, ये सब शिक्षण भी बच्चों को हम दे रहे हैं. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्र मजबूत हो इसके लिए आप किस तरह की शिक्षा बच्चों को देना चाहेंगे जिससे हमारा देश विकास करे और एजुकेशन में इतना विकास करे कि हम पूरी वर्ल्ड में जैसे बोलते हैं योगा में हम झंडा लहराएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, ऐसे ही एजुकेशन में विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? देखिए, जो हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो बहुमुखी दे रहे हैं. एक तरफ हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं कि राष्ट्र को जरूरत किसकी है, हमें नैतिकता के आधार पे, हमें अपने आईटी क्षेत्र में, हमें अपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हमें मेडिसिन के क्षेत्र में आगे उन्नति करनी है. साथ साथ हमें ये सोचना है, अपने विचारों को बदलना है कि हम सब मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करेंगे. सिर्फ टीचर, सिर्फ इंजीनियर नहीं, सबको मिलकर के करना है. इसलिए हम बच्चों को साथ साथ शिक्षा के साथ साथ उनकी मानसिकता, उनका मनोबल, उनका सोच, उनके विचार, उनको अच्छे विचारकों से मिलाना, जो अच्छे क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोग हैं उनसे मिलाना, जिससे कि हमारे बच्चे सीख सकें कि हमारे देश की जरूरत क्या है और उसको कैसे पूरा करते हुए हम देश को एक बहुमुखी, एक चरम आयाम पर ले जा सकें. इस तरह का प्रयास हमारा विश्वविद्यालय हमेशा से करता आया है. बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.